से ही जारी रखते हुए गीत नंबर 61 गाएंगे, कितना हसीन वादा। हिम 61, कितना हसीन वादा। Yeah.
भाई बशीर से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, हमारे दिल शुक्र गुजारी से भरे हैं कि खुदावंद हम आपसे प्यार करते हैं, आपने हमसे प्यार किया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे मसा के लिए, तेरी हजूरी के लिए, उतर जाने के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा मसा बढ़ता चला जाए, प्रस्तुति में, कलाम में, गीतों में तेरा मसा बढ़ता चला जाए। जितने लोग आ चुके हैं इसके तेरा शुक्र करते हैं, जो रास्तों में हमें ले आता कि हम मिलकर खुदा तेरी इबादत तेरी बंदगी करें, ऐसी करें जो रूह और सच्चाई से की जाती है। तेरा शुक्र करते हैं, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, प्रस्तुति के लिए, दुआ के लिए, कलाम के लिए। खुदा वो तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खून में कुदरत पाई जाती है, तेरे खून में शिफा पाई जाती है। यीशु तेरा खून तमाम गुनाहों से पाक करता है, यीशु तेरा खून तमाम बदियों से पाक कर देता है। खुदा वो तेरा शुक्र करो, हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं। जैसे हल्दी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होगा, मेरी आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस साल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? मेरा खुदा मेरे साथ रहता है, मेरा बाप मेरे साथ रहता है, खुदा का बेटा यीशु हमारे साथ रहता है, उसने हमें संभाला है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ शब्दों यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। और इस खूबसूरत दुआ के बाद हम प्रस्तुति को जारी रखेंगे और गीत नंबर 127 गाएंगे, जब तू छुए मेरे जीवन को। जमात से रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद करके खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए ये गीत गाएं और खुदा से इंतजार करते हैं कि खुदावन इस गीत के जरिए से हम सब के जीवन को छुए। Oh,
हालेलुया 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 प्रेज गॉड। और परस्तिश को ऐसे कंटिन्यू करेंगे और एक और गीत गाएंगे मसा में रू में, गीत नंबर 171 रूहे पाक मुझ पे। जमात से रिक्वेस्ट है कि वो खड़े होकर मसा में रू में इस गीत को गाएं और हम सब अपने दिलों में खुदावन से उसका रू मांगे, उसका मसा मांगे। रूहे पाक मुझ पे आ,
ताकि वो अपनी जिंदगी पाए, हलाकत से बच जाए। खुदावंद खुदा,
हमें तो
Thank you.
कोशिश की, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र थे यहाँ तक की रहनुमाई के लिए। हम अब खुदावंद के खादिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई हुई अपनी आंखों को बंद रखें और अपने सर को झुकाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक अब्लीस बहुत बार खुदा का काम रोकने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वो जहां पर खुदा का पाक रू आ जाता है वहां पर वो नाकाम हो जाता है। Praise the Lord, Hallelujah. We praise you, we adore you, we give you glory, Holy Spirit, Hallelujah. खुदावन जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त, इस घड़ी के लिए, इन रात के पहरों के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शे, कि खुदावन हम तेरी बारगाहों में जमा होकर आज खास तौर पर तेरी इबादत और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा पाकरू तेरे ठहरे हुए मसा और तेरे अबर के लिए, तेरी हसूरी और तेरी मामूरी के लिए, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी ब्लेसिंग्स के लिए, कि खुदा तूने चारों ओर से अपने लोगों को आज यहाँ पर घेर रखा है। खुदा इस जगह के चारों ओर तेरा मसा आ चुका है। खुदा तेरे पाक और तेरे जमजू फरिश्ते इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। हालेलुया। खुदा तूने शुरू से अब तक हमारी बड़ी रहनुमाई की, बाकी मानदा सारे हिस्सा में तू बड़ी रहनुमाई करना। तेरे पाक रूह के और गहरे मसा के बहाव को मांग लेते हैं खुदावंद। आज बहुत सारी जिंदगियां पाक रूह के मसा से भरने वाली हो सके खुदावंद। हालेलुया। जिंदगियां साथ हो, जिंदगियां बहाल हो, बंधन और जुए यीशु के नाम से टूटते चले जाए खुदावंद। तेरे पाक रूह का गहरा मसा आज एक एक को छू ले खुदावंद। खुदावंद आज मायूसियां जाती रहे, आज परेशानियां जाती रहे, आज बीमारियां जाती रहे खुदावंदा, ताकि सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तेरे नाम को मिले खुदावंदा। खुदा इस वक्त, इस घड़ी, इन सांसों, इस जिंदगी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। सारी दुआ खुदावंद तेरे प्यारे बेटे अपने मुनजी खुदा जिस मसीह के नाम से मांगते और ईमान से पा लेते हैं। आमीन, आमीन। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और तमाम उन खानदानों के लिए जो रेगुलर हर फ्राइडे को आते हैं, उनके लिए, पास्टर रोनी के लिए, उनकी कलीसिया के लिए जो उनके साथ आए हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और आगे जगह है बेटे, आप लोग अगर आना चाहें तो आगे आ सकते हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं आज शाम के लिए,
कि खुदा ने हमें दूरों नज़दीक से जमा किया है और उनकी सारी बातों के लिए आज खास इबादत हमने इस मकसद के लिए ईद पेंतिकोस के हवाले से रूह कुदस के हवाले से ठहराई है। तो आप सब लोग सारे बहन भाई तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। मैंने क्या कहा है आज की इबादत काय के लिए किस मकसद के लिए ठहराई हमने ईद पेंतिकोस। और आप में से कितने हैं जिनको पाक रूह का तजर्बा है? कैन आई सी योर हैंड? हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनको पाक रूह का तजर्बा है और वो बहन भाई जिनको पाक रूह का तजर्बा नहीं है वो कलाम के दरमियान अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, ताकि आज यहां से आप खाली हाथ ना जाएं। हम कलामे मुकद्दस में से चंद याद पढ़ते हैं। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब उसकी पहली आयत से लेके चंद याद हम तलावत करने को जा रहे हैं। आप सबकी तवज्जो चाहिए। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, अरे रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। अब उसका सवाल क्या, जवाब क्या है, ये तवज्जो फरमाएं। जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो, यीशु ने जवाब में उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये हवाला आप लोग घर जाके पूरा पढ़ें। मैंने क्योंकि वक्त बिजली जाने की वजह से हमारा थोड़ा वक्त जो है आगे हो गया, डिले हो गया है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कलाम की तरफ आ रहा हूं। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। हालेलुया। और दुआ करें, कहे खुदावंद आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाना चाहती। इफ यू आर ऑलरेडी रिसीव द होली प्रमोशन, प्रे फॉर योर स्पिरिचुअल प्रमोशन। इफ यू हैव ऑलरेडी हैव होली स्पिरिट इन योर लाइफ देन प्रे फॉर योर स्पिरिचुअल प्रमोशन। जीसस गिव मी स्पिरिचुअल प्रमोशन दिस इवनिंग। इफ यू आर नॉट हैव होली प्रे Jesus, I want the gift of Holy Spirit this evening. आज शाम अपने लिए दुआ करना शुरू करें। कहे खुदावंद तू मुझे मसा कर, मुझे पाक रूह के लिए तैयार कर, और आए खुदावंद तेरा मसा हमारी जमात में ठहरे और अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल कर। शुरू से लेके आखिर तक तू मारा हादी, रहबर और रहनमा हो। आमीन आमीन आमीन। जमात बैठ जाए। आप लोगों के पास बाइबल है और हवाला जात आप लोग साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि आज की हमारी इबादत जो है रूल कुदस के हवाले से है, पाक रूह के हवाले से है। यहां पर हम देखते हैं कि एक शख्स जीसस के पास आया। When did he came to Jesus? कब वो आया? रात के वक्त आया। रात के वक्त आकर खुदावंद की तारीफ करने लगा कि जो मोज़े तू करता है कोई और नबी दिखा नहीं सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया।
उसके अल्फाज हैं कि वो मौजे दिखा नहीं सकता कि जब तक खुदा उसके साथ ना हो उसको इल्म नहीं कि वो किसके साथ बात कर रहा है। वो ये नहीं जानता कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो खुदा ही तो है। हालेलुया, जोरदार तालियां, प्रेज गॉड। खुदावंद के मसा के लिए हम खुदावंद का शुक्र करें। व्हाट डिड जीसस रिप्लाई टू हिम? जितने मेरे बहन भाई यहां मौजूद हैं जो हमें राउंड द ग्लोब वो सब तवज्जो से सुने। अगर आप भूखे और प्यासे हैं तो खुदावंद खुदा आपको रूह का मसा देगा, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। Why? Because this is the promise of Lord Jesus. ये खुदा का वादा है। वो इंसान नहीं कि कुछ कह के बदल जाए, जो वो कहता है उसको पूरा करता है। Isaiah 44 verse 3. What is written over there? मैं प्यासी जमीन पर क्या करूंगा? पानी डालूंगा और खुशक जमीन में नदियां जारी करूंगा। ये किसका वादा है? कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु, खुदा खुदा कह रहा। हालेलुया। डू यू नो दैट बाइबल का आगाज रूहुल कुदस के बयान से होता है, बाइबल का एंड रूहुल कुदस के बयान से होता है। जेनेसिस 1 चैप्टर 1 फर्स्ट 3 वर्सेस। खुदा का रूह पानियों की सतह पे क्या करता था? जुम्बश करता था। The start of Bible, it start with the Holy Spirit. और Bible का end भी रूल कुदस से होता है। Revelation chapter 22 verse 17, रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। हम कहते जा, हम तो आने नहीं देते पाक रूह को नेड़े। हम पाक रूह को अपने खानदानों में नहीं आने देते क्योंकि तस्वीरें अपने मनपसंद के हीरो हीरोइन की लगाई हुई हैं जी, तो वहां हम यीशु को कहां आने देंगे? ब्लेसिंग उठ चुकी है, आज खानदानों से ब्लेसिंग जाती रही है। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस कलाम को तवज्जो से गौर से हम सुने। पुराने ऐदनामे में 90 टाइम रूल कुदस का जिक्र आया है और नए ऐदनामे में 260 बार, और टोटल जब पहली आयत से लेके जो मैंने बताया कि बाइबल का आगाज रूल कुदस से होता है, बाइबल का एंड रूल कुदस से होता है, इसके दरमियान 350 बार रूल कुदस का जिक्र आया है। और आज हम ये सीख रहे हैं जो लोग भूखे और प्यासे हैं, खुदावंद खुदा के खुदा को पाक रूह से मामूर करें। अभी मैंने एक हवाला बताया था, याद आप लोगों को वो कौन सा हवाला था? अजाया 44 वर्स 3। व्हाट इज रिटन ओवर देयर? मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडे लूंगा। किस जमीन पर खुदा पानी अंडे लेगा? प्यासी, थर्स्टी। इफ यू आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर होली स्पिरिट दिस इवनिंग, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, अपनी सी कुवते रोक नहीं सकती कि आपको पाक रू ना मिले। व्हाई? बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड आवर लॉर्ड गॉड। ये खुदा का कलाम है जो ये कहता है कि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडे लूंगा। What is the meaning of water? If you want to consult, then go Gospel of John chapter 7, starting from verse 37 to 39. मकदस यूना की अंजील 7 बार 37 से 39 तक। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, क्योंकि ये बात खुदा ने किसके बारे में कही थी? रूल कुदस के हवाले से।
तो इससे मुराद क्या हुआ, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, यानी इस पीने से मुराद क्या है, रूल कुदस को हमने पीना है। हालेलुया, वो रूल कुदस जो ईमान के वसीला से हमें क्या किया गया, पिलाया गया। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदा ने वादा किया है कि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडेलूंगा और खुशक जमीन में क्या करूंगा, जोर से बोले, नदियां जारी करूंगा। कभी आप लोगों ने सोचा इस वर्ष के बारे में कि यह वर्ष क्या कह रही है आपको? पहले यह कहा गया है कि मैं प्यासी जमीन पर क्या करूंगा, पानी डालूंगा। तो इसका मतलब यह है कि सम टाइम इन पास्ट, किसी वक्त हमें पाक रूह का तजर्बा हुआ था, लेकिन हम दुनिया में पढ़ कर हमारी जमीन क्या हो गई, खुशक हो गई है। हमारी जिंदगियों में वो पावर, वो नाइंटेक, वो कुदरत, वो मसा नहीं है। आवर लैंड इज ड्राई, आवर लाइफ्स आर ड्राई लाइक अ डेजर्ट। डेजर्ट में कुछ नहीं होता, देयर इज नो लाइफ इन डेजर्ट। Without Holy Spirit there is no life. खुदामंद खुदा चाहता है, खुदा का गहरा मसा इस वक्त हमारे दरमियान ठहरा हुआ है। जब खुदा कहता है हो जा, वो हो जाता है। Maybe you are not prepared for Holy Spirit. Listen carefully what I am going to share with you. जो लोग यहां बैठे हैं और जो मुझे around the globe सुन रहे हैं, आप सब तवज्जो से सुने, खुदा का यह वादा है कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जिनको पहले से पाक रूह मिला है उनकी प्रमोशन होगी, और जिनको नहीं मिला उनको पाक रूह मिलेगा। डू यू बिलीव दैट? हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदामंद हमारे दरमियान मौजूद है, पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है। आप देख रहे हैं कि वैसे ही जैसे ही दे पैंती कोस के दिन सन्नाटा था, वैसे ही खुदा का पाक रूह का सन्नाटा हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, प्रेज जीसस। इफ वी आर नॉट प्रीचिंग, इफ पीपल आर नॉट गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम अस, अगर हम कलाम नहीं सुना रहे, हमारे वसीला से रूहें नहीं बच रही, हमारी दुआ सिर्फ अपने तक ही रहती है, तो ये समझ ले के आपकी जमीन ड्राई है, आपकी जमीन खुशक है। अगर जमीन खुशक है उसमें कुछ भी नहीं उगेगा, यहां तक ऊंट कटारे भी नहीं उगते। क्या हमारी जिंदगियों में तो ऊंट कटारे हों? खुदामंद आज हमें बदलना चाहता है, वो हमें चेंज करना चाहता है। ही वॉन्ट टू चेंज अस, बट डू वी वॉन्ट, क्या हम भी चाहते हैं वो हमें चेंज करे, तब्दील करे? अगर आप चाहते हैं तो आपको वाकई खुदा तब्दील करे, आपका जीवन बदल जाएगा। यूएल 2:28, यूएल 2:28 है। अगर आप में से कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दें, नहीं तो लिखा है कि आखिरी दिनों में मैं रूल कुदस को क्या करूंगा, नाजल करूंगा। मैं आखिरी दिनों में क्या करूंगा, रूल कुदस को नाजल करूंगा, और हर फर्दो बशर पर अपने रूह को क्या करूंगा, नाजल करूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे, नबूवत करेंगे, और जवान क्या देखेंगे भाई, रोया देखेंगे। ये वर्ष क्या कह रही है? इसके बाद यानी पहले कोई बयान चला आ रहा है, अब मैं बाइबल स्टडी नहीं दे रहा। इसके बाद यानी ये जो पीछे बात हो रही है उसको कनेक्ट कर रही है,
इसके बाद मैं हर फर्दो बशर पर क्या करूंगा, अपना रूह नाजल करूंगा। और किन पर रूह नाजल होगा? हर फर्दो बशर पर। मर्द और औरत बच्चों का जिक्र नहीं किया गया। और यहां साफ लिखा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या नबूवत कर दी अभी? कुछ और ही दुनियादारी की नबूवतें और बातें हैं हमारी जिंदगी में बेशुमार, लेकिन हम में से कितने हैं जो नबूवत करते हैं? खुदामंद खुदा ने नबियों के मुंह में यह कलाम रखा कि वह नबूवत करें। और क्या साफ वाजिया तौर पर लिखा है कि मैं हर फर्दो बशर पर रूह नाजल करूंगा। आज बहुत सारी डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जो खासकर बड़ी कलीसियाएं हैं, उनका यह कहना है कि पाक रूह मांगने की जरूरत नहीं है, पाक रूह खुद खुद ही मिल जाता है। ले भाई, ये भी नई तालीम है। ये अच्छी पढ़ी लिखी कलीसियाओं की ये तालीम है। वो ये कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है या बड़े को बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि दो मकतबे फिक्र के लोग हमारी कलीसियों में पाए जाते हैं, कुछ छोटे बच्चों को उस्मा देते हैं, कुछ बड़ों को देते हैं, और उनका यह कहना है कि ईमान के साथ जब उनको बैप्टाइज किया जाता है तो उनको पाक रूह मिल जाता है। क्या आप इस बयान के साथ एग्री हैं? कितने एग्री हैं? कोई एग्री नहीं। वाकया ही ये तालीम गलत है, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। ये मांगने से मिलता पाक रूह। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स नंबर 13, लूका 11:13 में क्या लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दोगे और जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें रूहुल कुद्दस क्यों ना दूंगा। बच्चे मांग सकते? बोलिए भाई। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, जब तुम मुझसे मांगोगे। पाकरू किन को मिलता है भाई? जोर से बोलिए, जो मांगते हैं। मांग कौन सकता है? बड़ा बोले ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? बच्चे तो नहीं मांग सकते ना, बच्चे तो रो सकते हैं। तो लिहाजा ये एजुकेशन बिल्कुल रॉन्ग है, इसको कंडेम करना चाहिए। पाक रूह जो है जब हम बड़े होते हैं तो उस वक्त हमें मिलता है। एक्ट चैप्टर 2 इमाल 2:37-38 वर्स। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 और 38। क्या आप सब यहां पर हैं? आप सुन रहे हैं मुझे? सुस्ती तो नहीं आ रही? हालेलुया। लंबे लंबे सांस लें, पाकरू के लंबे लंबे कहे, पाकरू मेरे जीवन में आ, मेरे लंग्स में आ। हालेलुया, प्रेज जीसस। व्हाई आई सेड बिकॉज होली स्पिरिट इज लाइक अ विंड, लाइक अ एयर। पाकरू यहां मौजूद है, इसलिए मैंने कहा कि पाकरू को इनहेल करें। हालेलुया, प्रेज जीसस। जितने मुझे सुन रहे हैं, पाकरू को इनहेल करें। मैं वाकई ही कह रहा हूं, इनहेल करें। आप महसूस करेंगे कि दैट समथिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग इन योर लाइफ। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्या हो पर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रब लसी लमाने शोलबा कैया रजा तवैया रा इने शोलबा करा वंतो लसी। हालेलुया, हालेलुया। इनहेल द होली स्पिरिट, रूह कुद्दस को इनहेल करें, अपने जीवन में लें। आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे ही आप इनहेल करेंगे, देन एंड देयर बदरुएं निकल जाएंगी, पत्रियां गायब हो जाएंगी, बचपन जाता रहेगा। हालेलुया। जैसे पाकरू आएगा, आपके बंधन टूट जाएंगे।
आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, गमों की शाम खत्म हो जाएगी और दया सवेरा। हालेलुया, जोरदार तालियां, जोर से आसमान खुश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इमाल दो बाप उसकी 37 आयत का मैंने हवाला दिया, ईद पेंतेकोस्त के दिन कितने लोगों को या कितने ग्रोहों को पाकरू मिला था? एनीवन? दो ग्रोहों को पाकरू मिला था। पहली जमात 120 की थी, ये जमात, अब ये बात मैं बड़ी पते की कर रहा हूं, सीखने वाली बात है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो जो फरमाएं। आई वॉन्ट योर कंसेंट्रेशन। लिखा है जो मांग रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, इतना वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा और आगे उसको बढ़ाऊं, तो पहली जमात 120 की थी, वो देवर प्रिपेयर्ड, और उनको जो तैयार थे, जो द्वार रोजे में ठहरे हुए थे, तो उनको क्या मिला? पाकरू मिल गया विद टंग्स। दे वर ऑल फिल्ड विद द माइटी पावर ऑफ होली स्पिरिट एंड स्टार्टिंग टू स्पीक इन टंग्स। गैर जबानों में वो दुआ करने लग गए। हालेलुया, प्रेज जीसस। एक और जमात है जिसको रूल को 10 मिला था, एक को सुबह के वक्त मिला था और एक को शाम के वक्त मिला था। शाम के वक्त जो कितने लोग थे, जो 12 ममालिक से लोग आए हुए थे, वो काय के लिए आए थे? जल्दी से बोले, वो जो 12 जो लाखों से 12 कबीलों से लोग आए हुए थे, वो काय के लिए आए हुए थे? ईद पेंतेकोस्त तो उस दिन आगाज हुआ था। ये सुन लीजिए, ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। वो ईद फसा मनाने के लिए आए थे और खुदावन ने इसको ईद पेंतेकोस्त में बदल दिया, और पहली दफा वो उस दिन में जो कि 1901 में या 102 में हम देखते हैं, 1902 में या 1901 का ये वाक्या है जो मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइम रूल कुदस नाजल हुआ। वो होली स्पिरिट के लिए या ईद पेंतेकोस्त के लिए नहीं आए थे, वो तमाम लाखों से लोग यरूशलेम में आया करते थे ईद फसा मनाने के लिए, ईद पेंतेकोस्त मनाने के लिए आते थे, और खुदामंद खुदा ने उन्हें रूल को 10 बख्श दिया। Why? They were not prepared for that. Only 120 were prepared for the Holy Spirit. ये तो सिर्फ आए थे, लेकिन कैसे तैयार हो गए? What happened in between? जब पतरस कलाम सुना रहा था, तो उस कलाम ने उनके दिलों को तोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए कि पाखरू की जुम्बश इतनी ज्यादा थी, वो चिल्ला उठे, अरे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने क्या जवाब दिया कि तुम में से हर एक क्या करे? अपने गुनाहों से तौबा करे, तो तुम रूल कुदस क्या मिलेगा? तुम्हें इनाम में मिलेगा। तो भाई पाखरू किन को मिलता है? हाँ, जो तो यहां पर है, इस हवाले से पहला मैंने बताया था मांगना है। पाखरू किन को मिलता है? पहला पॉइंट था जो मांगते हैं, और बच्चे नहीं मांगते, बच्चों को पाखरू नहीं मिलता। ऐसे ही मतलब पाखरू को भी लोगों ने अजीब ही बात बना रखी है, मुझे को अच्छा नहीं लगता, मैं इसके बारे में और मजीद बात कहूं। पाखरू जो है ये एक अजीम हस्ती है, ये बच्चे इसके मसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक हम उनको डेडिकेट करते हैं खुदा की हजूरी में, हम कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन कलाम इसकी नफी करता है। जिस बात की कलाम नफी करे, हम वहां पर खामोश हैं।
और इसलिए क्या लिखा है कि जो तौबा करे, बच्चा तो तौबा नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, पाकुर किसको मिलता है? जो तौबा करता है। और तीसरा पॉइंट, जो आरजू रखता है, जो अपने दिल में प्यास रखता है। तीन पॉइंट मैंने बताए कि क्यों हमने, कैसे, हाउ कैन वी रिसीव द होली स्पिरिट। आई हैव शेयर्ड थ्री पॉइंट्स। और रूल कुदस के हवाले से मैंने बताया और उसकी एजुकेशन थी, जैसे पतरस दे रहा था और उनके दिल तैयार हो गए। जो कलाम को सुन रहे थे वो क्या कर रहे थे? भी बैठ के 3000 की जमात, दे आर लिसनिंग द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में क्या है? जिंदगी। खुदा के कलाम में क्या है? खुदा का कलाम बंद बंद गुदे गुदे नस नस में से गुजर जाता है। आज मेरा कामरी मानक या से कोई बीमार नहीं जाएगा। हालेलुया। और खुदावंद खुदा, जो हवाला पहले मैंने दिया गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 7 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 37-39, ये ईद का आखिरी दिन था। ये ईद का क्या था? आखिरी दिन था। और खुदावन ने बुलंद आवाज से चलाकर कहा, अगर कोई प्यासा हो ताकि आवाज सब तक पहुंच जाए। यही लिखा ना भी आपकी बाइबल में, बुलंद आवाज से पकार कर कहा ईद के आखिरी दिन, कि मैं पहले तुम्हें बताता रहा हूं लेकिन आज आखिरी दिन ही, आखिरी लम्हे ही शायद कोई तौबा कर ले। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जैसा कि लिखा है उसके जिस्म में, उसके बदन में जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। या मसीह यीशु कौन सा वाला नोट कर रहा? पुराने ऐदनामे का अज़ाया 44:3 का, जैसा कि एज इट इज रिटन, यानी पास की बात हो रही है। अगर कोई प्यासा हो तो वो आकर पिए। तो लिहाजा ये जमात कलाम सुन रही थी, कलाम सुनते सुनते उनका जीवन बदल गया। दे डायग्नोज देयर सेल्फ, उन्होंने अपना मुआयना किया कि वी आर विदाउट होली स्पिरिट एंड वी नीड होली स्पिरिट। हालेलुया। वो चिल्ला उठे, वो रोए, दे आर बर्निंग लाइक एनीथिंग टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। क्या उनको रूल कुदस मिला? जी हां। देन एंड देयर उनको पाक रूह मिला। व्हाई? बिकॉज दे आर लिसनिंग द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त बैठ के? बोलिए, हम भी कलाम ही तो सुन रहे हैं। चले आप अपने लिए हवाला पढ़ ले, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, वो भी कलाम सुन रहे थे और हम भी कलाम सुन रहे हैं। एक्ट चैप्टर 10:44, इमाल 10:44 है। क्या लिखा है? जो कलाम को गौर से सुन रहे थे। क्यों भी यही लिखा आपकी बाइबल में? जो कलाम को गौर से सुन रहे थे, क्या हुआ भाई? उन पर रूल कुदस नाजल हुआ। दे आर ऑल फिल्ड विद माइटी पावर ऑफ होली स्पिरिट। वो रूल कुदस से भर गए और खैर जबाने बोलने लगे। कि इनको और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन क्या लिखा है कि जो सुन रहे थे। अगर वाकई आप सुन रहे हैं और सुनते सुनते आपका दिल प्रिपेयर हो गया है, तैयार हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि आपको पाक रूह ना मिले। एम आई राइट? हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदा का गहरा मसा हमारे दरमियान इस वक्त ठहरा हुआ है और खुदा चाहता है कि वो जिंदगियां जो आज तक तैयार नहीं हुई, ये शख्स जो है यीशु के पास आया। वाई होली स्पिरिट इज सो इंपॉर्टेंट? मैं क्यों इतना जोर लगा रहा हूं? क्यों खुदा के खादम इस बात पर जोर देते हैं?
बेशुमार ईद पेंतिकोस की इबादत मुख्तलिफ चर्चेज में हुई। क्यों? खुदा का पाक रू हासिल करना इतना ही जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है? जल्दी से, मैं टाइम नहीं मेरे पास, मैं तीन बातें जल्दी से शेयर करने वाला हूं। आई विल शेयर थ्री थिंग्स व्हाई होली स्पिरिट इज सो इंपॉर्टेंट टू रिसीव इन आवर लाइफ। नंबर वन, अगर आप लोग, खुदा यीशु मसीह ने निकोदिमस से क्या कहा था? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी दाखिल होना दूर की बात देख भी नहीं सकता। जितने बहन भाई आज मुझे जो इस वक्त प्रेजेंट कलीसिया है और दो मुझे दीगर जगहों से सुन रहे हैं, अगर आप लोग आसमान पर जाना चाहते हैं, हेवनली किंगडम जिसको हम कहते हैं आसमानी बादशाहत में, कितने, अगर मैं पूछूं कि कितने लोग हैं जो आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो सबके हाथ खड़े होंगे। एम आई राइट? सब जहन्नम में कोई जाना चाहेगा? कोई नहीं जाएगा भाई। जहन्नम में भी जाना नहीं चाहते और तौबा भी नहीं करना चाहते। जहन्नम में भी जाना नहीं चाहते और फिर हम कहते हैं कि हम तौबा भी नहीं करना चाहते कि हम आसमान की बादशाहत में जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा चाहता, अगर आप आसमान की, आसमान पर दो ही जगहें हैं, या जहन्नम है या पैराडाइज है। अगर आप पैराडाइज में जाना चाहते हैं तो आज आपको पाक रूह हासिल करना है। दिस इज नॉट द टीचिंग फ्रॉम मी, दिस इज नॉट माइन टीचिंग, इट इज अकॉर्डिंग टू बाइबल आई एम प्रीचिंग। तो पहला पॉइंट ये है कि इफ यू वॉन्ट टू गो इन हेवन देन यू हैव टू रिसीव द होली स्पिरिट, नो मैटर हु यू आर। आप जो कोई भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, जो भी आपका मर्तबा है, यू हैव टू बॉर्न अगेन। इफ यू आर नॉट बॉर्न अगेन यू विल नेवर एंटर टू द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाहत में आप दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरा पॉइंट मैं जल्दी से बता रहा हूं कि इसके बगैर जब तक हमें पाकरू नहीं मिलता, वी हैव नो आइडेंटिटी। शायद आप कहेंगे ये भाई ने आज नई बात बताई है। इफ वी हैव नॉट रिसीव द होली स्पिरिट, वी आर नॉट बिलोंग टू जीसस। टेक आउट रोमन 8:9-10, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हालेलुया। अगर मसीह का रूह हमें नहीं मिला तो हम किसके हैं? फिर शैतान के बोले डर लग रहा है ना, फिर हम शैतान के हैं, हम शैतान की मर्जी पूरी कर रहे हैं। ये कलाम कह रहा, मैं नहीं कह रहा, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। अगर वो यीशु का नहीं है तो फिर वो किसका है? फिर वो अबलीस का है। खुदावंद खुदा आज चाहता है कि मैं और आप आज इस, जो मैं फादियत बता रहा हूं, एडवांटेज बता रहा हूं होली स्पिरिट के, कि इसके बगैर हम आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते, इसके बगैर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसके बगैर। आपने देखा होगा नहर के जो पंजाब के लोग रहने वाले हैं, जो दरख्त होते हैं उन पे नंबर दिए जाते हैं, कितने लोगों को पता है? जो पंजाब के लोग हैं तो वो नहर के किनारे जितने भी दरख्त होते हैं उन पे गवर्नमेंट नंबर लिखती है। इससे पता चलता है कि ये दरख्त गवर्नमेंट की मिल्कियत है। अगर एक ही नंबर बीच में कम हो गया तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये किसी ने दरख्त काटा है और गवर्नमेंट उसको जेल में डाल देती है। कोई समझ में आया जा कलाम सर से गुजर गया? अगर हमारा नाम किताबे याद में लिखा हुआ ना मिला तो फिर हम कहां डाल दिए जाएंगे? जेल में डाल दिए जाएंगे। कौन सी जेल भाई?
जहन्नम, जहां का कीड़ा नहीं बुझता, आग, आग में डाल दिए जाएंगे। आज हम क्या पसंद करते हैं? और उसके बाद लिखा है कि हम दुआ नहीं कर सकते, Romans 8:26, खुदा का रूह खुद हमारी रूह के साथ आहें भर भर कर शफात करता है, और वो खुद जो चाहता है। जब पाक रूह आता है तो यहां जो है बात हो रही है, पाक रूह की बात हो रही, गैर जबानों की बात हो रही है। बहुत सारे लोग गैर जबानों से इरिटेट होते हैं कि गैर जबानें नहीं बोलनी चाहिए, ये सही नहीं है, नॉट अकॉर्डिंग टू बाइबल। और कुछ लोग जो है सिरे से जो है इसका इतना जोर देते हैं कि इसके बगैर आपको पाक रूह का तजर्बा ही नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो हमें एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा हमने यहां पर ये देखा है कि खुदावंद खुदा लिखा कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करती है। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रूह तो पहले से, गौर से सुन ले मेरी बात, बड़ी पते की बात है। जब ये कलाम सुन रहे हैं तो आप सुनकर अपने तक रखेंगे तो आप जवाब दे हैं, आपने लोगों को बताना है। तो फिर लोगों से पूछें कि जब ये पाक रूह हमें बपतिस्मा के वक्त मिल जाता है तो ये जो Romans 8:26 का मतलब क्या है? What is the meaning of Romans 8:26? ये किस रूह की बात हो रही है? रूह खुद हमारी रूह के साथ आहें भर भर कर शफात करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आदम जब पैदा हुआ था फूंका तो खुदा ने वो पाक रूह दे दिया। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, इतना टाइम नहीं है कि आप लोग तरफ जल्दी जाना होता है। तो मैं चाहता हूं कि हम कुछ होकर दुआ में ठहरें। और कितने पॉइंट बताए मैंने, व्हाई होली स्पिरिट इज सो इंपॉर्टेंट टू हैव इन आवर लाइफ। नंबर वन क्या बताया था? आप लोगों को फौरन होशियार होना चाहिए। मैं गोरा कब्रस्तान में कलाम नहीं सुना रहा, मैं खुदा का नारे मारने वाला खुदा का खादम हूं। नंबर वन क्या बताया था? आप सोच नहीं रहे। हाँ, नंबर वन, हम वी कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ हेवन, हम आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर टू, इफ वी हैव नॉट होली स्पिरिट वी हैव नो आइडेंटिटी, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये बड़ी जबरदस्त बातें हैं, काश के आज इनको आप लिख ले अपनी दिल की तख्ती पर। वी हैव नो आइडेंटिटी, हम कहते तो हैं मैं मसीह है, लेकिन है नहीं। मसीह आप कब बनते हैं? जब आप तौबा करते, जब आपको पाक रूह मिलता है। दिस इज व्हाट बाइबल इज सीइंग। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी भाई? आप लोग यहां मौजूद हैं, मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं, भूल गए? इसके बगैर हम दुआ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रे विदाउट होली स्पिरिट, Romans 8:26। नंबर फोर, ठहरे रहो, Acts 1:8, ईमान पहला बाब उसकी आठवीं आयत, जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिले, जब तक तुम्हें कुवत का लिबास ना मिले, जब ठहरे रहो, जब तक के तुम्हें तुम पर रूह कुदस नाजल ना हो। जब रूह कुदस नाजल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुवत पाओगे। कुवत पाओगे तो फिर क्या करोगे भाई? घर में बैठे रहोगे। ओ हालेलुया, प्रेज जीसस। ये वर्ष मेरे, जब मैं बोलता हूं तो मेरे जिस्म में कुछ होने लगता है। हालेलुया। जब रूह कुदस नाजल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुवत पाओगे, और फिर क्या है? तुम मेरे गवाह ठहरोगे, विटनेस, यू विल स्टैंड माई विटनेस। हालेलुया। द ग्रीक वर्ड विच इज यूज फॉर विटनेस इज मार्टर। मार्टर, मार्टर मीन शहीद, यानी गवाह वो है जो गवाही दे और अपने लहू से उस तारीख को रकम करे, यीशु की खातर कुर्बान हो जाए। दैट इज विटनेस। डर खौफ की बदरू ने हमें घेरा हुआ है। जब रूह कुदस आता है तो दिलेरी आ जाती है। पतरस पहले डर रहा है ना, एक लौंडी से डर रहा है,
आप बादशाहों के सामने कहता है जिसको हमने देखा, हो नहीं सकता कि हम उसकी बात ना माने। जब पाक रू आ जाता था, हमें दिलेरी मिल जाती है। जब रूल कुदस नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुवत पाओगे। और कुवत के लिए मैंने जो बताया, जो ग्रीक में दो बातें, कुवत के लिए जो ग्रीक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ डूनामस है, DUNAMIS। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, डूनामस, DUNAMIS। ये लफ्ज कुवत के लिए इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में। और गवाह के लिए, विटनेस के लिए लफ्ज मैंने क्या बताया था, जोर से बोलिए, मार्टर, शहीद। और इसी से जो इंग्लिश लफ्ज निकला है वो डायनामाइट है। डायनामाइट क्या है? ये एक ऐसा मवाद है जिसको पहाड़ों में रख दिया जाता है तो जैसे ही वो मवाद फटता है तो सख्त चट्टाने क्या हो जाती है? रेजा रेजा हो जाती है। जोरदार तालियां खुदा की, जोरदार जोर के साथ हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये पावर खुदा ने अपने खादमों को दी है कि जब वो खड़े हो जाते हैं, स्टेज पे आते हैं, तो डूनामस उनके जीवन में, वो कुवत उनके जीवन में काम करने लगती है, हालेलुया। और गुनेगार बदल जाते हैं, डाकू बदल जाते हैं, जानी बदल जाते हैं, बीमार शफा पा जाते हैं, लंगड़े भागने लगते हैं, बदरू गिरता आजाद हो जाती है। दैट इज द सेम पावर गॉड हैज गिवन टू बिलीवर। हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, हालेलुया। जो कलाम सुन रहे थे उन पर रूल कुदस नाज़िल हुआ। मैं यही कलाम को बंद करूंगा, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आगे बढ़ूं। हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, दुआ करना शुरू करें। कहे खुदामन, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय लाइफ। मैंने आज तक अपनी सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी है, बेमकसद गुजार दी है। हालेलुया, एग्जामिन योरसेल्फ। हालेलुया, अपने आप को देखिए कि आपको पाक रूह का तजर्बा है। अगर आप जवाब यस में है तो कब हुआ था? When did you receive Holy Spirit? In what year? What was the date when you received the Holy Spirit? हमारे बच्चे पैदा होते हैं, नादरा में उनके नाम लिखे जाते हैं। इसी तरह से जब हम पैदा होते हैं तो हमारे नाम भी नादरा यानी हेवन में लिखे जाते हैं, किताबे हयात में लिखे जाते हैं। क्या आपको याद है कि कब आपका नाम नादरा में, आसमानी नादरा में लिखा गया? अगर याद नहीं है तो अब किसी ऐसे झूठे भरोसे में ना रहें। दिस इज द टाइम। जिस तरह लिखा है कि वो 3,000 की जमात क्या करने लगी? चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगे। उन्होंने प्यास महसूस की। अपनी आंखें बंद करें, दिस योर टाइम। वो बहन भाई जो चाहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें तो वो सामने आ जाएं, चाहे एक हो दो। लेकिन अगर आपने कलाम को सुनते हुए आपको शिद्दत महसूस हुई है, आपको भूख और प्यास महसूस हुई है, तो आप इस वक्त आगे आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, कोई जिंदगी भी, हालेलुया, प्रेज जीसस। अगर आज तक आपको नई जिंदगी का तजर्बा नहीं हुआ, आप मत शर्माएं, आप मत घबराएं कि लोग हमें देखेंगे। लेकिन लोगों का देखना तो अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है कि खुदा हमें देख रहा है। हालेलुया, प्रेज जीसस। बच्चे गीत गाना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसके दरमियान आपने आपको प्रिपेयर करें और तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया।
इस गीत में आप आगे आ सकते हैं। हालेलुया। सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक पाक रूह। सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ जी। मसा गहरे तौर पर छाया हुआ। हालेलुया। दुआ करेंगे खुदा के खादम पास्टर रॉनी रिचर्डसन के साथ आज के मैसेज के लिए।
हम उन जिंदगियों के लिए जिनको पाक रू मिला है दुआ करते हैं कि खुदा ने और आगे बढ़ाए और बाकी लोगों को तैयार करे। नंबर दो, हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे और ये दुआ हम खुदा के खादम के साथ करने को जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा पाक रूह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए। तूने कहा मेरे नाम दो या तीन से कई ज्यादा हैं और के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा, और तू हम सबों को अपने पाक रूह के मसा से भर रहा है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा, और जब पाक रूह तू आता है बंधन और जुए टूट जाते हैं, अपनी थरथराता कांपता डरता और यीशु के नाम से भाग जाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा जिंदगी बख्श कलाम के लिए, तूने आज अपने कलाम को नाजिल फरमा कर अपने पाक रूह से हमें भर दिया है। बेशक तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर हमें पाक रूह से भरता है, हमें शिफा देता है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा तेरे कलाम के वसीला से बंधन और चूहे टूट चुके हैं खुदावंदा, बाकी बांदा कमी कमजोरियां भी यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से जाना शुरू हो जाए। तमाम बीमारियां कमी कमजोरियां अगर इन बदनों में अभी भी यीशु के नाम से हैं तो उनको हुक्म देते हैं, कम आउट राइट नाउ इन जीसस नेम, माइटी पावरफुल नेम। तुम्हारा इन बदनों पर कोई इख्तियार नहीं है, खुदा यीशु ने इन बदनों के लिए अपनी जान दी है, खुदा यीशु ने अपना कीमती लहू बहाया है, और जहां पर यीशु का लहू आ जाता है वहां से बीमारियां कमी कमजोरियां अबलीस की गंदी नपाक कुवतें भाग जाती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। खुदा तेरा पाक रू तेरा मसा इनको गहरे तौर पर अपनी लपेट में ले ले और खुदा ये गवाही दे कि हमारे यीशु ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए। खुदा मंदा बाकी मंदा मीटिंग में भी तू बड़ी मत रहनुमाई करना खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरी तरफ देखिए कितने बहन भाई है जो महसूस कर रहे हैं कि खुदा ने आपको छुआ, आपको बरकत दी, कैन आई सी योर हैंड, आप जोरदार तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। और आखिरी हीलिंग अनॉइंटिंग में पहले बहने आ जाएंगी, हम अपनी शुक्र गुजारियां खुदा की खिदमत के लिए उसके जलाल के लिए डालेंगे और मसा अपने आप को करवाएंगे और उसके बाद जो है भाई आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।
जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यसु तेरे आने से, यसु तेरे आने से, ओ यसु तेरे आने से, यसु तेरे
आइए जीसस अपनी आंखों को बंद करते और अपने सर को झुकाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तू अजीब मशीर, हालेलुया। तू वाकई अजीब है और तू अजीब और जलाली काम हमारी जिंदगियों में करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावंदा, खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है खुदावंद, के हम तेरी हजूरी में आकर तेरी इबादत करें खुदावंदा। बेशक तेरी हजूरी में गुजरा हुआ एक लम्हा हजार लम्हों से बेहतर है, हम तेरी जितनी भी शुक्रगुजारी करें उतनी ही कम है खुदावंद। हमारे दिल तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं खुदावंदा, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। इन सांसों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इस जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इस सेहत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इन वक्तों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो तू हमें इकट्ठा कर लाता है, अलग अलग जगहों से जमा करता है ताकि हम एक जगह एक खानदान कलीसिया की सूरत में तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुति करें, तेरे कलाम को सीखें और तेरे नाम को धन धन बात कहने वाले हो सकें। ऐ खुदावंद दे, तेरे सिवा और कोई नहीं, हम कहां जाएं, तू ही तो हमारी दुआओं को सुनता और अपने हाथ को भराकर हमें जवाब देता है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हालेलुया। प्रेज गॉड, खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद जिंदा आसमानी पिता, इबादत के शुरू से आखिर तक तूने हमारी बड़ी मत रहनुमाई की, तू हमारा हादिया रहनुमा रहा, तेरा हाथ हम पर भड़ा रहा, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। ऐ खुदा मीटिंग प्रेसाइडर के लिए खुदावंदा, वर्शिप के सारे सेशन में तूने अपने लोगों की बड़ी मत रहनुमाई की और तू अपने लोगों की प्रस्तुति पर तक नशी हुआ, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक तू आसमानों के आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान उतर आता है ताकि खुदावंद तू हमें बरकत दे खुदावंदा, हमारे बंधनों से, हमारे जुओं से तू हमें आजाद करे खुदावंदा। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। और जितने बहन भाई इस जगह पर आए हैं, कोई भी यहां से हमारा ईमान खाली हाथ नहीं जा रहा, ऐ खुदावंद जिस हालतों में आए थे उन हालतों में दोबारा वापस घर को नहीं जा रहे, बल्कि खुदावंद तुझसे रिस्टोरेशन को लेकर जा रहे हैं, हीलिंग को लेकर जा रहे हैं, बहाली और शिफा और इत्मीनान और पाकरू से भर चुके हैं। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा मसा खुदावंद इन सबों की जिंदगियों पर ठहरा रहे, तेरी हजूरी में लाने से उनको रोकती है खुदावंदा। नेक्स्ट फ्राइडे यीशु के नाम से हम उन बहन भाइयों को भी यहां पर मांग लेते हैं खुदावंदा, उनके बंधन और चूहे टूटे खुदावंद, वो तेरी हजूरी में आए, तेरी बारगाहों में आए, तेरी इबादत करें और इस वक्त की अहमियत को समझे जो तेरी हजूरी में गुजारा जाता है खुदावंदा। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खास तौर पर तेरे खादिम के लिए, तेरे बेटे के लिए, तेरे बंदा के लिए खुदावंदा, अंकल एवेंजेलिस्ट जावेद गिल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसको तूने अपने मसीह से, अपने पाक रूह की अनॉइंटिंग से भरा हुआ है खुदावंदा। ऐ खुदावंद हम तेरे बेटे के लिए तेरी और ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं खुदावंदा। तूने कहा जिसको तुम बरकत दोगे उसको मैं बरकत दूंगा, मैं तेरा खादिम होते हुए यीशु के नाम से तेरे खादिम को, इनकी फैमिली को, इनकी मिनिस्ट्री को बरकत की दुआ देता हूं खुदावंदा। तेरा आसमान इनके लिए खुले खुला रहे खुदावंदा, आसमान के अच्छे खजाने इनके लिए खुले रहे, तमाम तर जरूरियात को तू अपने इलाही खजानों से पूरा करना खुदावंदा, घाटे कमी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंदा। और इनकी जिंदगी के खिलाफ इब्लीस के जितने मंसूबे हैं उनको यीशु के नाम से आज कैंसिल कर देते हैं, उनको आज यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं, उन्हें आज यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं और उसकी आग से जला के बसत कर देते हैं। खुदावंद तेरे बेटे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, आज डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, आज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएं, आज फिजिकल ब्लेसिंग्स और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएं, आज फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के ब्रेक थ्रू आना शुरू हो जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो प्रभु। और खुदावंद ये मिनिस्ट्री दिन ब दिन तरक्की की तरफ जाती जाए खुदावंदा, और इस मिनिस्ट्री के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बचाई जाए खुदावंदा, बहुत सारी रूहें बचाई जाए खुदावंदा, बहुत सारी भेड़ तेरे गल्ला में शामिल हो जाए खुदावंदा, ताकि कोई भी रहा हुआ मालूम ना रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो प्रभु की। खुदावंद तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से तुझे लुटाया है, इसके एवज को बड़ी बरकत देना खुदावंदा, सौ गुना करके लुटाना, कभी किसी चीज की कमी ना रहे खुदावंद। तेरा शुक्र, कलाम के हिस्सा में तूने हमारी बड़ी रहनुमाई की, ये कलाम हमारे दिलों की जमीन में जड़ पकड़े और सौ गुना फल लेकर आए। हम इस कलाम को ना महज अपने तक रखें बल्कि दूसरों तक लेकर जाने का वसीला बने, ताकि बहुत सारी जिंदगियां इस कलाम को सुनकर बरकत पाए। तेरा शुक्र, तूने हम सबों को छुआ और बड़ी बरकत दी है खुदावंदा। और जितने ऑनियर हमें देख रहे हैं, अगर वो बीमार हैं, कमजोर हैं या परेशान हैं और इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनकी सारी बीमारियां, कमी कमजोरियां अभी हर इसी वक्त यीशु के नाम से जाती रहे।
ऐ बीमारियों भागो यीशु के नाम से, ऐ बदरुआ छोड़ो इन बंदों को यीशु के नाम से। तुम्हारे इन जिंदगियों पर कोई इख्तियार नहीं है, यीशु ने इन जिंदगियों के लिए अपनी जान दी और अपना कीमती लहू बहाया। खुदावन यीशु के नाम से, खुदावन तू दूर और नजदीक का खुदा है। हम यहाँ से दुआ करेंगे, पाकरू उनको वहां पर छू रहा है, बंधन और जुए टूट रहे हैं, बदरू है उनकी जिंदगी और उनके घरानों से भाग रही है। Touch Holy Spirit right now in Jesus name. Hallelujah. खुदावन इन्हीं जिंदगियों से हम गवाही सुने कि खुदावन तूने इनको आजाद और बहाल कर दिया। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, इबादत के शुरू से आखिर तक तूने हमारी बड़ी अंतरा नुमाई की, तो हमें सलामती से लेकर आया, सलामती के साथ हम सबों को रुखसत करना और दोबारा ठहराए हुए वक्त के मुताबिक जब तेरी पाक मर्जी हो हमें जमा होने की भारी तौफीक अदा करना। खुदा पाक की सारी दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते और ईमान से पा लेते हैं। खुदावन ने हमें सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हम को जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा सब तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाकरों की रिफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों कलीसियाओं घरानों के साथ, हाजिर जमात के साथ, इस कलीसिया मिनिस्ट्री के साथ, ICPF पूरी टीम के साथ, बनी इसराइल कौम कुल मुकद्दसीन के साथ, अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में।